हेलो एवरीवन कैसे हो सब लोग आशा करते हैं सब अच्छे होंगे मार्केट में पालक साग देखते ही पालक पनीर का स्वाद मुंह में आ जाता है है ना मुझे तो बहुत पसंद है पालक पनीर और मेरा बहुत फेवरेट है पालक विंटर में बहुत अच्छा और बहुत फ्रेश मिलता है आज ना हम लोग पालक पनीर बनाएंगे पालक पनीर बहुत सिंपल वे में मैं बना के दिखाऊंगी आप लोगों को चलिए शुरू करते हैं पालक पनीर बनाने से पहले मैं पालक को अच्छे से गर्म पानी में दो मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दिया हूँ इधर अच्छे से बॉयल हो गया है चलिए मिक्सी में डाल देते हैं मिक्सी में मैं पालक को डाल दिया हूँ उस उसमें जाएगा हमारा धनिया के पत्ते धनिया पत्ते डालने से पालक पनीर का जो ग्रेवी होता है ना बहुत अच्छा बनता है और बहुत यमी बनता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है इधर मैं तीन चार हरी मिर्ची ले लिया हूँ आप आपके हिसाब से डालिएगा जितना तीखा खाते हैं आप फिर इधर हम एक बड़ा वाला टमाटर ले लिए हैं उसमें हम ओनियन ले लिए हैं एक छोटा वाला ओनियन फिर उसके बाद हमारा जाएगा लहसुन लहसुन के बाद हम थोड़ा सा अदरक ले लिए हैं फिर उसके बाद जाएगा हमारा काजू सात आठ काजू ले ली हूँ उसको अच्छे से फाइन पेस्ट कर दोंगे, फिर उसके बाद हम बनाने चलते हैं हमारा पालक की पनीर पलक पनीर मुझे बहुत पसंद है और पनीर में लाने के लिए पापा को बोले थे पापा बहुत छोटा वाला पनीर लेके आए हैं फिर भी चलेगा चलिए शुरू करते हैं पनीर को मैं इतना छोटा छोटा पीस क्यूब पीस में कर दिया हूँ अब जो जो सेफ आपको पसंद है आप बना सकते हैं उसमें जो भी सेब डालते हैं अच्छा दिखता है और अच्छा लगता है अब जो भी सेब में पसंद है आपको आप डाल सकते हैं तो फिर चलिए इधर हम थोड़ा बटर डाल देते हैं बटर पालक पनीर में बटर बहुत स्वाद अच्छा बढ़ा देती है उसका चलिए इधर मैं थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ फिर उसके बाद जो पेस्ट बना के रखी थी उसको डाल दिया हूँ फिर उसको अच्छे से मिलाते रहिएगा उसमें आप नमक डालिएगा फिर लाल मिर्च डालिएगा उसमें जाएगा धनिया का पाउडर आप थोड़ा सा धनिया पाउडर डालें क्योंकि आप धनिया पत्ते ग्राइंड किए हैं फिर उसमें जाएगा मैं डालती हूँ किचन किंग का मसाला आप भी डालिए बहुत स्वाद में बहुत फ़र्क आता है और बहुत यमी लगता है इसमें मैं थोड़ा सा ना चीनी डालती हूँ क्योंकि चीनी डालने से बालन से अच्छा रहता है और बहुत यमी लगता है उसका जो बालेंस है ना अच्छा रहना चाहिए देखिए उसमें थोड़ा सा चीनी डालिएगा ज़रूर फिर उसमें हम डालते हैं उसका हमारा जो पेस्ट बना के रखे थे उसको अच्छे से मिलाते रहिएगा मैं एक सीक्रेट मसाला इधर डाली हूँ मुझे मैगी मसाला बहुत पसंद है पालक पनीर में आप थोड़ा सा मैगी मसाला डालिए डाल के देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा उसका ना जो फ्लेवर आता है मैगी का मसाला का वो बहुत ही अमी होता है और थोड़ा सा डिफरेंट होता है और पालक पनीर एकदम परफेक्ट बनेगा आप उसको जरूर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बोलिएगा आपको कैसा लगा इधर में कसूरी मेथी डाल दिया हूँ कसूरी मेथी पालक बने में बहुत अच्छा लगता है उसको ना हम पंद्रह मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देते हैं फिर पंद्रह मिनट के अंदर हो जाता है इधर हम तड़का देने के लिए हम इधर लहसन थोड़ा थोड़ा कट करके लिए हैं इधर तेल डाले हैं तेल के बाद सूखी मिर्ची फिर उसके बाद जीरा थोड़ा सा थोड़ा सा लहसुन डालें हम फिर उसके बाद हम लाल मिर्ची सारी कश्मीरी चिली डाले हैं कश्मीरी चिली पाउडर कलर बहुत अच्छा आता है उसमें बास हो गया इसमें डाल देते हैं फिर मिला लेते हैं उसमें फिर जाएगा गरम मसाला गरम मसाला का वीडियो मैं बना नहीं पाई आप डालिएगा जरूर देखिए कितना अच्छा बना है बहुत ही अच्छा बना है उसका कलर जो आया है ना बहुत ही परफेक्ट आया है उसमें धनिया के पत्ते आप डालिएगा वो बहुत अच्छा कलर आता है देखिए कितना फ्रेश और कितना यमी बना है मुझे तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके बोलेगा एंड प्लीज़ 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 प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को हाँ आप कैसे बनाते हैं पालक पनीर मुझे बोलिएगा कमेंट करके जरूर इसमें और क्या डालने से और अच्छा बन सकता था आप तो बोलिएगा इस, इसके बारे में आप कमेंट करिएगा मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी आपका मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड मुझे कमेंट करिएगा शेयर करिएगा फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ बाय बाय